अपने आप को झारखंड विधानसभा के अपर सचिव का रुआब दिखाकर मोहल्ले के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कुंदन सिंह, जो पुराने विधानसभा के रशियन होटल के पीछे वाले मोहल्ले में रहते हैं, वे और उनकी पत्नी अपने पड़ोसियों को लगातार लगभग 10 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। जब भी मोहल्ले के लोगों द्वारा समझाने या सुलह कराने की कोशिश करते हैं तो उसी व्यक्ति को फंसाने की धमकी देते हैं और अपने विधानसभा के पदाधिकारी होने का दबदबा बनाते हैं। प्रताड़ित हो रहे मुकेश कुमार परिवार के सदस्य कई बार लोगों को अपनी समस्या बताई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब मामला बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब शुक्रवार देर रात जगन्नाथपुर थाना में एक सनहा भी दर्ज कराया गया है। इस संबंध में मोहल्ले के लगभग 50 से अधिक लोगों ने थाना पहुंचकर मुकेश कुमार का पक्ष लिया। जब थाना प्रभारी द्वारा कुंदन सिंह को थाना बुलाया गया तो वो वहां भी अपने विधानसभा पदाधिकारी होने का रोब झाड़ते नजर आए। वहीं मोहल्ले के लोगों ने बताया कि आए दिन मुकेश कुमार के परिवार वालों के साथ अमर्यादित व्यवहार करते रहते हैं। मोहल्ले वालों ने बताया कि अगर इस आपसी रंजिश को यही विराम नहीं लगाया गया तो कहीं यह रंजिश खूनी रंजिश में ना तब्दील हो जाए। दरवाजे पे कैमरा लगा दिया है, इस तरह से मेरे गैरेज की ओर, मेरे दरवाजे की ओर कैमरा लगा दिया कि मेरे घर में कौन कौन आते हैं, कौन जाते हैं, कितने टाइम पे ये लोग ड्यूटी से आते हैं, कितने टाइम पे निकलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ पे एकदम इस तरह से रिकॉर्डिंग करता है और वो घर में खुद बैठ करके देखता है। और थाना में भी दिया है, ACC में दिया है, सारे जगह दे करके एकदम हम लोग का इज्जत का तो इतना धजिया उड़ा करके रख दिया है, जबकि पूरा कॉलोनी जानता है कि हम लोग क्या हैं और क्या नहीं। डर से किसी को भी, किसी भी गेस्ट को नहीं बुला पाते हैं कि क्योंकि उसको भी देखता है और उस पर भी टारगेट बना लेता है कि ये लोग मतलब इसके घर में ये लोग आते हैं और ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं। अरे तो इस पे क्या तकलीफ होती है बताइए। अरे मामला तो बहुत गंभीर है, क्या बोले, बहुत परेशानी में है हम लोग अभी। 15 साल से ये आदमी कुंदन सिंह और श्वेता सिन्हा मिल करके हम लोग को बहुत परेशान करके रखी है। मेरे हस्बैंड ACC में हैं, उनको ACC में भी बहुत ज़्यादा ही लेटर लिख करके दे दिया है कि इनका क्वार्टर को लीज कैंसिल किया जाए, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, इस तरह से। और ये इतना मेरे जात के ऊपर भी ये लोग उंगली उठाता है, रास्ता चलते भी हंस हंस करके चिढ़ाता है, करेक्टर पर जाता है, निष्ठा पे जाता है, हमारे मेरे हस्बैंड के ऊपर, बेटा के ऊपर बहुत गलत गलत आरोप लगा करके इस तरह से लेटर लिखा है, जिसका कि कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। थाना में भी सारा कंप्लेन दिया हुआ है लेकिन कोई एक्शन नहीं है, उल्टा हम ही लोग पर इस तरह का एक्शन लेता है, आरोप लगाता है। मुखर संवाद के लिए रांची से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।